दोस्तों, स्टूडियो में बात करेंगे टोटल 3 रेलवे शेयरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आपको पता है, रेलवे में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, भाई सभी को डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि भाई अभी के टाइम स्टॉक एक तो गिर रहे हैं एंड कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोई भी बड़ा बाउंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। करंट टाइम पे अगर मैं बड़े कलर की बात करूँ तो बड़े कलर का भी दोस्तों यहाँ पॉजिटिव रुख है, बट देखिए रिटेलर का डाटा थोड़ा अलग ही चलता है। रिटेल दोस्तों जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब भी नेगेटिव मानते हैं, जब स्टॉक गिरता है तब भी नेगेटिव मानते हैं। मेन डिटेल का ये कि भाई हमेशा तेजी जारी रहनी चाहिए, एंड ये चीज मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं IRFC को आप उठा के देख लो, साल में ओनली 6 महीने कंसोलिडेट करेगा एंड 1 महीना भागेगा, फिर 6 महीने कंसोलिडेट करेगा। और दोस्तों साल में स्टॉक 2 ही बार भागता है यहाँ पे, एंड दोनों बार में स्टॉक हमें पता है पैसा डबल करके जाता है। ये चीज हमने देखा है आरबीएल का भी सेम यही रूल, आरबीएल भी ऐसे ही भागता है। करंट टाइम पे आरबीएल IRFC इन तीनों के अंदर देखोगे तो भाई वोलेटिलिटी भर भर के देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर 2% भागता है तो यहाँ पे करंट टाइम पे भाई 1% ऑलराउंड 2-3% वापस से गिर रहा है। अगर पिछले 1 महीने का रिटर्न की बात करूं मैं तो इस स्टॉक के अंदर दोस्तों कोई बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला। उल्टा इलेक्शन के टाइम पे उम्मीद थी कि भाई अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से लगभग 50-40% तक का गेन करेंगे, बट वो जो हमारी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई एंड उसकी इच्छा के विरुद्ध चला गया, अब विपरीत स्टॉक ने काम किया एंड स्टॉक करंट टाइम पे हमें यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। देखिए मैं कुछ चीजें हैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो अभी के टाइम मेरे को पता है कई लोग बोर हो चुके हैं इन स्टॉक के रिलेटेड। यहाँ पे लोगों को यही लगता है कि भाई सब फेंक रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जब दोस्तों आपके IRFC यहाँ पे 30-35 रुपए पे थे तब भी आपको कोई आकर बोलता कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक 200 रुपए के लेवल टच करेंगे, आपका आरएनएल दोस्तों कभी 70 रुपए पे हुआ करता था, उस टाइम पे कोई बोलता कि भाई ये 400-500 चला जाएगा तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भाई रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को लगी माइंड में चीज आई नहीं रही। एंड अभी के टाइम अगर मैं बोलूँगा भाई IRFC आपका आने वाले दोस्तों 1-1.5 महीने में यहाँ पे जो है 200 मतलब आराम से 300 का लेवल क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बड़े इवेंट नजर आ रहे हैं तो अभी लोगों को नहीं लगेगा। वही दोस्तों आरबीएल के लिए बोलो कि ये दोस्तों 500 चला जाएगा बजट के आसपास, क्योंकि बजट से बहुत उम्मीदें हैं मार्केट को एंड बजट के रिलेटेड मार्केट अभी के टाइम आपको डेली बेसिस एक नया हाई क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बजट में दोस्तों इंफ्रा रेलवे आपके इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार किया जाएगा, तो ये चीज हमें समझना चाहिए। एंड एक चीज हमें सीधा सीधा संकेत मिलता है कि जो आपके दोस्तों रेल मंत्रालय जो पीयूष गोयल है, सॉरी जो आपके दोस्तों अश्विनी वैष्णव है, उनको वापस से रेल मंत्रालय सौंपा गया, क्योंकि भाई रेल मंत्रालय रेल की कोटि यहाँ पे जो रेल मंत्रालय उसमें एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस काम को देखते हुए उन्हें वापस से वही मंत्रालय मिला है। तो ये बड़ा संकेत हमारे लिए कि भाई रेलवे में बड़ी ग्रोथ अभी बाकी है एंड इस ग्रोथ को देखते हुए आगे मोमेंटम और बनेगा। मेन चीज बात की जाए दोस्तों डाटा देखो, अभी के टाइम IRFC आरबीएल तीनों स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, रेलवे का एक भी स्टॉक ऐसा नहीं कि भाई वो भाग रहा है एंड ये नहीं भाग रहे। न्यूज बेसिस अलग चीज है, फंडामेंटली जो तेजी आती है वो अलग चीज है। IRFC की बात करूं मैं, IRFC देखो पिछले 6 महीने से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, वही आपका दोस्तों यहाँ पे जो RSI है वो 51 का चल रहा है, कोई ओवरबोर्ड नहीं है। करंट टाइम पे अगर हम ट्रेंड लाइन अकॉर्डिंग देखेंगे भाई कितना वेट ये करवा सकता है, तो अगर यहाँ से आप देखोगे 35 स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर यहाँ पे आ सकता है, और बता दूं मैं तो 160 के आसपास दिख सकता है नॉर्मली शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है, बट अगेन यहाँ से रिवर्सल देखिए बढ़िया रैली हमें देखने को मिलेगी, चांस नहीं 160 आए, बस ये बता रहा हूँ कि आ सकता है, मेन चीज नहीं कंफर्म आएगा। कंफर्म तो ये कि यहाँ पे बजट के आसपास यहाँ पे कम से कम 280-290-300 के आसपास के टारगेट कवर कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर मोमेंटम बना तो फिर आपको पता है IRFC 20-50 का अपर सर्किल भी क्रिएट करता है यहाँ पे, एंड कम से कम आपको 1 वीक के अंदर ही आपको पूरा रिटर्न ही देखे चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हम इतना वेट कर रहे हैं, इतना वेट हमने किया भी है। वही बात करें आरबीएल की, भाई IRFC में जो सॉरी आरबीएल में डेफिनेटली यहाँ पे तेजी आई है, जो इलेक्ट्रिक का सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक ने दिया है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कंसोलिडेट देखो ये कंसोलिडेट था तेजी आई फिर कंसोलिडेट यहाँ पे इसने तेजी बना ली, और करंट टाइम पे अपने बाउंड भी खाई पर ये भी ट्रेड कर रहा है। एंड आप देखोगे आरबीएल IRFC कौन तीनों दोस्तों अपने बाउंड भी खाई से भी टाइम कम से कम 10-12 फीसदी ही नीचे, अगर इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव बेट आ गया एक दिन अगर 20 फीसदी का अपर सर्किल क्रिएट करते हैं तो एक दिन के अंदर आपका पूरा लॉस रिकवर हो सकता है, ये चीज आप याद रखना। मेन फोन डाटा देखिए कंसोलिडेट अभी के टाइम चल रहा है, अगर आप देखेंगे तेजी यहाँ पे कंसोलिडेट फिर हमें तेजी नजर आ रही है, इस बोर्ड यहाँ पे देखो स्टॉक ने सस्ते करना स्टार्ट कर दिया, मैं जिस जिससे से कंसोलिडेट हुआ वॉल्यूम आपने देखा स्टॉक की, बिल्कुल वॉल्यूम यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिली है स्टॉक की, देख सकते हैं यहाँ से जिससे कंसोलिडेट वॉल्यूम गिरी, मतलब बायर बिल्कुल नहीं है, सेलर भी बहुत कम थे,
जो आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये सेलिंग की, ग्रीन कैंडल आपको बाइंग के दिख रही है। तो जैसे प्राइस गिरा, स्टॉक की सेलिंग हमें कम होती हुई नजर आए, तो अभी के टाइम इस स्टॉक में पैसेंस रखना सबसे बेटर डिसीजन रहेगा। वही इरकॉन की बात करूं मैं, तो इरकॉन को देखो, आपको जितना लॉन्ग टर्म बेसिस देखोगे उतना बेटर रहेगा। मेरे पास भाई लोगों को कमेंट देखने को मिलते हैं कि भाई इरकॉन अच्छा है या आरविंद अच्छा है। देखो दोनों स्टॉक अपनी जगह अच्छे हैं, बेटर अगर बताओ मैं ऑर्डर बुक के अकॉर्डिंग, तो करंट टाइम पे आरविंद की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही वही इरकॉन की बात करूँ मैं, तो इरकॉन भी दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें भी आप यहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस का देख सकते हो। मैं चीज इरकॉन का डाटा अभी के टाइम अगर हम देखें कि भाई अभी के टाइम जो चार्ट पैटर्न टेक्निकली व्यू है, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में हमें क्या व्यू रहना चाहिए, क्या बेच दे या रुके। देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो हमें एक बड़ा कंसोलिडेट इरकॉन में भी देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि इरकॉन यहाँ पे कंटिन्यू भाग रहा था, इरकॉन में भी हमने कंसोलिडेट देखा, बट ये कि इसमें ज्यादा कंसोलिडेट नहीं दिखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टॉक में कंसोलिडेट क्या तेजी आई, फिर यहाँ पे लगातार कंटिन्यू एक रेंज में कंसोलिडेट करना। मैं चीज इरकॉन का अगर आरएसआई देखिए, 53 का करंटली आरएसआई चल रहा, बिल्कुल अपने सही वैल्यूएशन पे अभी के टाइम तीनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। इस लेवल ऐसा नहीं भाई ये यहाँ पे बोले गिर जाएंगे बहुत ज्यादा फिर भागेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टॉक इसी रेंज से आपको कंसोलिडेट करते हुए पता नहीं कब रॉकेट बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड करंट टाइम पे अगर मैं इरकॉन की ब्रेकआउट की बात करूँ, 290 का ब्रेकआउट है, जैसे ये लेवल टूटता है नए हाई की पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी भाई साइड में ये ब्रेक करेगा। तो अभी के टाइम इन स्टॉक में बजट तक गलती नहीं करना है, मोमेंटम बनेगा धीरे धीरे बनेगा, वेट करो, क्योंकि जो आप यहाँ पे 3-4 महीने वेट करोगे उसका फल आपको ओनली 4-7 दिन 1 हफ्ते में मिल जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते में 1 हफ्ते ही बढ़ेगा एंड 1 हफ्ते में एक बड़े रिटर्न देखे चलाएंगे। सभी स्टॉक की सर्किट लिमिट 20 बेच देगी यहाँ पे, तो अभी के टाइम बने रह सकते हो। एंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि डेली बेसिस आपको नए अपडेट्स यहाँ पे टेक्निकल सारी हेल्प यहाँ पे आपको मिलती रहे।